नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। रायबरेली से मैं हूं पंकज सिंह। आज रायबरेली की बड़ी खबरों के बारे में आपको अपडेट करता हूं। आज रायबरेली की सबसे बड़ी खबर कि वित्तीय वर्ष बीत चुका है, कल 31 मार्च है, वो भी बीत जाएगा, लेकिन जो जरूरी मदों में खर्च होने वाला धन है, अभी ऐसे दर्जनों विभाग है जहां पर खर्च नहीं हो पाए, जबकि जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव लगातार अपने अधिकारियों को निर्देश दे रही हैं, अपने अधिकारियों से कह रही हैं कि जो जरूरी मद है उनमें वो मद में धन खर्च कर दिया जाए। अभी बीते दिन मीटिंग हुई जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की लचर कार्यशैली, जो सीएमओ है डॉक्टर बीरेंद्र सिंह, उनकी लचर कार्यशैली के चलते उनको फटकार भी लगी। उनको साफ साफ जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने कहा है कि तत्काल प्रभाव से जो आशा बहुएं हैं, आशा संगिनी है, या जो अन्य जरूरी मद है, वहां पर उनका जो धन है वो खर्च किया जाए, कोई भी भुगतान शेष न बचे। यही हाल लगभग सभी विभागों के लिए है। माला श्रीवास्तव ने सभी विभागों से यही कहा है कि तत्काल खर्च किया जाए, लेकिन मैं आपको फिर अपडेट करूंगा वित्तीय वर्ष बीतने के बाद कि कौन सा विभाग खिसड्डी है और कौन सा विभाग ऐसा है जो धन पूरा खर्च कर लिया है। रायबरेली की दूसरी बड़ी खबर के बारे में आपको बताता हूं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि बजट को खर्च करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक नया खेल रच दिया। जो सिविल लाइन का ओवरब्रिज है, उस ओवरब्रिज में छोटे छोटे गड्ढे थे, उस पैच को भरने के लिए उसने पूरी रात खुदाई कर दी और खुदाई करके एक ऐसा डामर वाला कंक्रीट बिछाया जो अगले दिन ही उखड़ गया, और जो कंक्रीट है, जो गिट्टियां हैं, वो इस कदर बिखरी हुई है कि कभी मोटरसाइकिल वाला गिरता है तो कभी साइकिल वाला गिरता है। अभी बीते जो मंगलवार का दिन था, बुधवार का दिन था, वहां पर एक स्कॉर्पियो और ट्रक भिड़ गई। कारण कि स्कॉर्पियो थोड़ा तेज आ रही थी, ट्रक थोड़ा सा तिरछा हुआ और ब्रेक मारने के चक्कर में वो गिट्टी से फिसल गई और भिड़ गई आपस में। तो इस तरह हादसे हो रहे हैं, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं कि बजट को खर्च करने के चक्कर में विभाग ने खूब भ्रष्टाचार किया। अगर भ्रष्टाचार ना होता तो अच्छी खासी अगर रोड बनी होती तो एक दिन में ही उखड़ कर बिखर न जाती। तो इस तरफ भी जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव को ध्यान आकृष्ट करना पड़ेगा। विद्यालयों में नया सत्र शुरू होने वाला है, 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन अभी एक बात को लेकर हंगामा चल रहा है। यहाँ पर एक जयपुरिया स्कूल खुला हुआ है। जयपुरिया स्कूल के बारे में लोग काफी दिन से चर्चा कर रहे हैं कि लगभग 3 से 4 साल हो गया उसको यहाँ शुरू हुए, लेकिन अभी उसने मान्यता नहीं ली है। तो विभाग की इस लापरवाही कहें या उसकी नजरअंदाजी, लेकिन अभी भी जयपुरिया स्कूल ने यहाँ पर मान्यता नहीं ली है और विद्यालय संचालित हो रहा है। तो नाम से विद्यालय संचालित हो रहा है कि जयपुरिया स्कूल है, लोग उसमें एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन मानक के अनुसार उसे मान्यता यहाँ से लेनी चाहिए। इसी तरह से सैकड़ों विद्यालय ऐसे होंगे पूरे जनपद में जो मान्यता के बिना चल रहे हैं। अगर मान्यता के बिना चल रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर उस विद्यालय से कोई बच्चा निकलकर दूसरे विद्यालय में जाना चाहता है तो उसके लिए एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। अगर उसका मान्यता नहीं है तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो नियमता नहीं दे सकता है। अगर नहीं देगा तो विद्यालय में प्रवेश भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से अगर प्रवेश नहीं होगा तो बच्चा आगे पढ़ेगा कैसे, ये बड़ी समस्या है। इस ओर विभाग का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए और जो बिना मान्यता के विद्यालय चल रहे हैं उस पर शिकंजा भी कसना चाहिए। हालांकि जयपुरिया इस समय हाईलाइटेड है और तरह तरह की चर्चाएं भी हैं कि सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है, तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन अब देखना यह है कि यह भी चर्चा हो रही है कि विभाग ने नोटिस दे दिया है, नोटिस देकर इतिश्री कर ली है। तो विभाग ने नोटिस दिया है तो क्या वास्तव में उसकी मान्यता नहीं है? अगर मान्यता नहीं है तो विभाग ने उस पर क्या कार्रवाई की है, ये तो आगे देखा जाएगा। शासन के निर्देश के बाद नवरात्र में रामचरितमानस के पाठों का आयोजन कराया गया। जगह जगह मंदिरों में रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया। बता दें, शासन ने 1 लाख रुपए यहां पर हर जनपद को दिए थे, जिसमें जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने एक एक ब्लॉक में एक एक मंदिरों को उन्होंने चुना।
जितने ब्लॉक थे उतने मंदिरों को चुना, साथ में जो बड़ा ब्लॉक था उसमें दो मंदिरों को चुन लिया गया और सभी में एक एक मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ सासर की ओर से बैठा। वहीं जो आम लोग हैं, जो भक्तगण हैं, वो कोई ऐसा मंदिर नहीं दिखा इस बार जहां पर रामचरितमानस का पाठ ना हुआ हो। इसी क्रम में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा, डीएसपी सिटी वंदना सिंह, आलोक प्रदर्शी पुलिस अधीक्षक सहित जो अन्य अधिकारी हैं वो उस पाठ में शामिल हुए और रामचरितमानस का पाठ उन्होंने वाचन किया। बता दें आपको कि इस बार रामनवमी के उपलक्ष पर भी ढेर सारे मंदिर ऐसे हैं जहां पर पाठ का वाचन किया गया। जेल रोड स्थित राम मंदिर में डॉक्टर राजीव सिंह जो यहाँ के वरिष्ठ चिकित्सक हैं उन्होंने रामचरितमानस का पाठ करवाया, जहां पर वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पाठ का वाचन किया। इसी तरह से चाहे वो जगमोनेश्वर मंदिर हो, चाहे वो आईटीआई का मंदिर हो, चाहे वो मनसा देवी हो, हर जगह पर रामचरितमानस का पाठ हुआ। तो पहली बार देखने को मिला जब इतने भव्य और विशाल स्तर पर रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया और उसमें अधिकारियों ने भी बिना किसी हिचक के बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तीसरी बड़ी खबर के बारे में आपको अपडेट करता हूं कि 1 अप्रैल से 15 वर्ष पूर्ण करने वाले जो वाहन हैं, उन वाहनों की आयु सीमा समाप्त हो रही है। 44 बसों समेत लगभग 188 ऐसे सरकारी वाहन हैं जिनको विभाग कबाड़ घोषित कर रहा है। एआरटीओ प्रशासन आरपी सरोज की माने अगर तो ऐसे जो कबाड़ वाहन हैं, ऐसे वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा और उन जो गाड़ियां हैं, जो वाहन हैं, उनको कबाड़ घोषित करके स्क्रैप में दे दिया जाएगा। ये तो 188 की बात हो रही है, अभी कम से कम सैकड़ों ऐसे वाहन और होंगे जो स्क्रैप में जाएंगे, उनकी फिटनेस खत्म हो चुकी होगी और 15 साल की अधिक वर्षता पूरा करने के बाद उनको दोबारा फिटनेस मिलेगा नहीं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ये कहा जाएगा कि उनकी अधिवर्षता समाप्त होने के बाद उनको स्क्रैप में ही जाना होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।